वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई फाइनली फिर से हम लोग वापसी आ चुके हैं। दोस्त लोग मिस कर रहे थे, जितने भी सीट कवर लवर है, जितने भी इंटीरियर लवर है, सब कह रहे थे चमत्कार भाई कहाँ है, आपकी तबीयत खराब थी, चमत्कार भाई तो ठीक है। तो चमत्कार भाई ठीक थे, मेरा थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा था, उसके बावजूद हमने काम जो है वो करा है और भाई ने इवन मेरे लिए जो है स्पेशली शूट रखवाया है द्वारका में। और हम लोग अभी आ रखे हैं द्वारका में। आज हम आपको शॉप नहीं दिखाने वाले हैं, जिसको भी पता नहीं है ये कौन है भाई, ये है हमारे सूरज भाई, कृष्णा कार श्रृंगार के ओनर। कुछ बोल दो जरा बढ़िया से। बहुत प्यार है आपकी तरफ से, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे बहुत जारी ऊपर चल रहा है सब चीज, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। क्योंकि जलने वाले जो है ना उनको जलने दो, मरने वाले मरने दो, हम सही है, आप सही है, चमत्कार को नमस्कार दोनों हाथों से। तो गाइस इसी के साथ में आज जो गाड़ी लेके आए, इट्स अ ह्युंडई, वरना नई वाला फेस, नई वाली शक्ल, नई वाली गाड़ी। और भाई जो इंटीरियर भाई ने कराया है, इस इंटीरियर को बोलते हैं झकास। ये है हमारा झकास इंटीरियर। ओके रिपोर्ट, ओके करो इसको, ओके करो ना इसको, इसको तो ये हाथ के हाथ ओके कर दो। तो भाई आप लोगों को पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ कैसा काम हो रखा है। इसी के साथ में आपको भाई से मिलाऊंगा। और एसेसरीज भी लगाई है इसमें आपने कुछ? नहीं अभी एक्सेसरीज नहीं लगवाई, लेकिन क्या क्या ऑप्शन है बता दो। हाँ मैं बता सारी चीज दूंगा। ठीक है, तो कर रहे हैं आज की वीडियो स्टार्ट। कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, कुछ कुछ लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को मजा आए एंड आई गेस की वीडियो जो है वो जबरदस्त होने वाली। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके गाइस, तो बारी आ चुकी है आप लोगों को हमारे ओनर से मिलवाने की। हमारे मतलब हमारे भाई जो है गाड़ी के ओनर है। सो भाई जो है वो नजफगढ़ में रहते हैं। भाई ने जो है स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। एक बार भाई हेलो तो आपने बोल दिया, एक बार अपना नाम और बता दीजिए। राहुल नाम भाई। राहुल भाई आपका जो इंटीरियर है वो आप ही दिखाने वाले हो, एक बार जरा दरवाजा खोल दो। और चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं हम सबके सब लोग। सो जिन जिन भाइयों को कुछ भी तरीके का लग रहा हो कि भाई ये कौन सा कलर है, ये कैमरा जो है वो इतना ब्राइट अप होके क्यों दिख रहा है, सो इट्स अ येलो कलर। येलो कलर हमेशा कैमरे में ऊपर के आता है, क्या रीजन है भाई? भाई ऐसे ही मन में आया, ब्लैक एंड येलो गाना सुना था, ठीक है, इसलिए फिर सोचा। अच्छा ब्लैक एंड येलो गाना सुन रहे थे? हाँ, और तो एकदम से मूड बन गया, मूड बन गया, ब्लैक एंड येलो थीम कैसी लगेगी, इसलिए करवा ले, फिर भाई ने कर दिया, बड़ा मस्त सूरज भाई ने कर दिया। हाँ सो भाई एक बार साइड के पहले गत्ते चेकआउट करो, ठीक है, कपड़े के बारे में सूरज भाई से बात करेंगे। और ये जो है ये ब्लैक कपड़ा भाई ने लगाया है, ये येलो वाला कपड़ा भाई ने लगाया है ना। हाँ, और ये वाला ब्लैक भी, ठीक है, ये पूरा परफेक्ट देख रहे हो। ये तीन आप लोगों को एक एक चीज बताना। देखो सुबह के टाइम पे इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ, रात में काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट किए, नहीं भाई रात को वीडियो क्यों बनाते हो, दिन में बनाया करो। तो इसमें आप लोगों की तीन लेयर वाली जो है वो चीज इसमें हुई है। एक आपका इधर आपको ब्लैक कलर का अपना कपड़ा चढ़ा दिखेगा, ये येलो है, ये आप लोगों का ब्लैक है। यहाँ पर भाई को इस पीस का ऑप्शन नहीं मिला था, तो भाई ने इसको स्प्रे पेंट मारा, जो कि मैं बिल्कुल कांटा मारता हूँ, आपने स्प्रे पेंट नहीं करना है। जो ऑप्शन है वो है डिपिंग का, जिससे हम इसको मैट या ग्लॉसी वाला लुक दे देंगे, है ना, वो मैंने आपको बता दिया, वो करा लेंगे, है ना। सो भाई सूरज भाई के पास आ रहे हैं। सूरज भाई, हाँ जी भाई, क्या चमत्कार किया भाई ये? भाई बहुत बढ़िया, देखो ना मतलब फिटिंग वगैरह, और सबसे अच्छी चीज मैंने डिजाइन जो हमने दिया है ना वो बहुत ही मतलब डिफरेंट दिया है। इसलिए डिफरेंट दिया है क्योंकि जो परफेक्शन है ना वरना की जो सीटें हैं वो बहुत जबरदस्त सीटें हैं, तो कभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, लाइफ टाइम गारंटी हर चीज की। और हमने सबसे पहले बहुत भाई मतलब को लगता है कि ज्यादा डैशबोर्ड पे कराने से रिफ्लेक्शन आती है, इस चक्कर में नया ट्राई किया, देखो कितना परफेक्शन से काम हुआ हुआ है भाई। बड़ी मतलब मैंने आते बोला था भाई ये पेंट तो नहीं है, भाई ने कहा भाई ये कपड़ा चढ़ा हुआ है, लिटरली फिनिशिंग देख रहे हो, ये कॉर्निंग देखो भाई। और देखो भाई अगर 10 में से एक गाड़ी में दिक्कत आ जाए तो वो चीज मैं भी मानता हूँ कि एक गाड़ी में वो दिक्कत हो सकती है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हमने रूफ भी किया, बहुत बिल्कुल रूफ भी दिखाऊंगा, पहले तो भाई ये दिखाना बनता है इतना बढ़िया। ठीक है, नीचे की तरफ से एक बार चेकआउट करो, ठीक है, पूरा परफेक्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह ये थोड़ा सा ये हल्का सा कपड़ा है ना, देखो क्या होता है कपड़ा जब हम घिसते हैं ना, जब इंटीरियर को बेस्ट करने के लिए, तो ये 19-20 चीजें आती है और ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। इस चीज से फर्क नहीं, क्योंकि भैया जब गाड़ी के अंदर बंदा बैठेगा, ये थोड़ी ना कि गाड़ी के अंदर बंदा बैठा कमी निकालने के लिए, सही बात है, वो तो लुक के लिए लगाया भाई ने और लुक बहुत बढ़िया। एक चीज और बताओ मेरे को सूरज भाई, ये जो आपने कपड़ा यूज किया ये कौन सा कपड़ा? भाई न्यूबक लेदर है, और जो ये येलो वाला जो है ये है फ्लोरा, फ्लोरा लेदर है। ये अपना नया आ गया क्या भाई? नया नहीं है, ये काफी टाइम से अपने पास है। ये जो कपड़ा है ये ओनली जो है ना आपका पिंक और ये सब है ना, 2-4 कलर के अंदर ही आता है कपड़ा ये, ठीक है। और ये परफेक्शन, ये कपड़ा भी 90 mm का है, 0.9 mm का, ताकि वो परफेक्शन उसकी फिटिंग आए। बिल्कुल, और एक, स्टेरिंग एक चीज, बिल्कुल मैं अंदर बैठ ही रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई इजाजत है ना गाड़ी में बैठने की? बिल्कुल भाई, तो भाई एक बार यहाँ पर आप स्टेरिंग चेकआउट करो, ठीक है।
पूरा भाई हैंड स्टिच कंपनी फिटेड वाला जो स्टेयरिंग होता है वो है, और जितना परफेक्शन हो सकता है उतना मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। यहाँ से बैठ के अगर व्यू पॉइंट देखते हो इट लुक्स वेरी प्रीमियम। आप लोगों को रूफ टॉप के बारे में बात करूंगा, सेम अभी बताऊंगा, एक एक करके पॉइंट बताऊंगा। आज दिन में हमें शूट करने का मौका मिला है, सारे पिलर्स आप चेकआउट कर रहे हो, ये आप लोगों को न्यूबक कपड़े में मिलेंगे ना? हाँ जी हाँ जी। तो भाई न्यूबक का जो रिस्पॉन्स है वो मार्केट में एज यूजुअल जो है वो बहुत हाइप में है, और जो अपनी वेबसाइट आने वाली है उसमें तो भाई मिलेगा ही मिलेगा और मतलब धूम मचाएंगे उसमें भी हम। चमत्कार होने वाला है इस साल। तो भाई तो बाहर निकलते हैं, मैंने बैठ के देख लिया। सूरज भाई बैठे रहो एक बार जरा आराम से ना, जैसे कोई मतलब रिच लुक दो जरा एक बार, टोपी पहन लो एक बार, रिच लुक दो। यस अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। सो पीछे की तरफ मैं चल रहे हैं आप लोगों को लेके, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। और भाई देखो एक बार, भाई चाहूंगा जरूर बैग हटा लीजिए आप, जिससे हम बढ़िया वाला लुक लोगों को दिखा सके पूरे गत्ते का। ये एक बार इधर से लुक चेकआउट करो और खुद मेरे को बताना कि भाई रिच लुक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने तो चलो हमारी अपनी ये गाड़ी हो गई घर की एक तरीके से, लेकिन स्टिल लुक वाइज आप लोग बता सकते हो। और इसमें पीछे वो चेक कराओगे ना आप, जो आप हमेशा वो ब्लैक वाली चीज चेक कराते हो। सेडन गाड़ी होती है ना, जो डिग्गी वाली गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पीछे रॉड लगी होती है। तो भाई ये इसीलिए मैंने बोला, जिसका नाम क्या, जैसे ब्रीजा होगी, क्रेटा हो गई, जो भी गाड़ी जब हम डिग्गी खोलते हैं जब हमारे को दिखता है पीछे से, ठीक है, जो अभी हम दिखा देंगे एक बार डिग्गी खोल के, ठीक है, खोल देना डिग्गी, डिग्गी खोल दो भाई, तब तक इधर का एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है भाई। अंदर का देखो पूरा परफेक्शन के साथ है, कितना जबरदस्त लग रहा है। और मेरे को परफेक्शन बड़ा अच्छा लगा, जो पिलर्स है वो खासकर बढ़िया तरीके से डिजाइन है। देखो पीछे वाले पिलर्स बहुत बढ़िया, साइड वाले भी देखो बिल्कुल। अब ये देखो भाई, बताओ भाई मुझे पीछे से देखो, ये ऑलरेडी है ना कंपनी फिटर आता है, यहाँ पे कुछ भी फटने उठने का कोई टेंशन वाली बात नहीं होती ये चीज, ठीक है, इसलिए इस गाड़ियों के अंदर बैक कारपेट नहीं होता भाई, ठीक है, इसमें बैक कारपेट डालते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये चीज पूछी थी। और इसी के साथ में अगर आप कंपनी से जाते हो और आप कहते हो कि भाई हमें ऐसे सीट कवर लगा के दे दो या ऐसा इंटीरियर करा के दे दो, करके देंगे कभी? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, कोई गाड़ी देखी नहीं ऐसी, तो वरना मतलब ये पहली वरना होगी, पहले बोल सकते हैं ना, ओनली वरना इन दिल्ली विथ येलो एंड ब्लैक इंटीरियर। क्रेटा तो बहुत सारी आ गई, लेकिन भाई एक बार हाथ मिला लो, लेफ्ट वाले हाथ से मिला रहा हूँ, लेकिन भाई मजा आ गया, मतलब स्वाद दिला दिया, क्योंकि एक ऑरेंज कलर है, एक ये कलर है और एक ग्रीन कलर है। ग्रीन भी थोड़ा अलग से हटके लगता है क्योंकि जब तक लगेगा नहीं, बट येलो क्या है भाई, येलो एक डिफरेंट मतलब स्पोर्टी लुक कहते हैं ना, चटक पटक बिल्कुल, वो लाल उसके बाद टैन उसके बाद हर कलर है ना, आपको हर जगह दिख जाएंगे, ये ऐसे कलर नहीं मिलते हैं। तो इसी को दिखाना आप लोगों के सामने लाने के लिए हम यहाँ पे शूट करने आए, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ में डिफ्यूजर जो है वो आपको मिल जाएगा, एक बार लाइटिंग ऑन करके दिखाओ, ये आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिल जाता है, सूरज भाई के पास ये अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा डिफ्यूजर चाहिए तो ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल अवेलेबल है भैया, ठीक है, और अच्छे और प्रीमियम प्राइस में मिलेगा, बहुत मतलब बेस्ट प्राइस में। और जो भी बोलते हैं ना इसमें क्वालिटियां बिल्कुल आती है, इसमें सबसे बेस्ट ABS वाला होता है, ABS वाला ही आप लोग अगर प्रीफर करना चाहो कर सकते हो, वो आप लोग ले सकते हो, आपके ऊपर है, अगेन डिजाइनिंग के ऊपर आप सोच सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो तो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। इसमें और भी तरीके के रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन था, शायद एक और था डिजाइन, अलग अलग गाड़ियों में अलग डिजाइन आते हैं था, इसमें ऑप्शन था ना एक और, हाँ, इसके अंदर जो ये डिजाइन है ना, हाँ, इसको हम कहते हैं टेल लाइट का जो ओरिजिनल डिजाइन है ना, एक चीज दिखाओ मैं दिखाता हूं, ठीक है, जैसे ये कर्व है और एक ये, तो यही टेल लाइट का ओरिजिनल डिजाइन हो गया, बेस्ट यही लगता है। अब इसके अंदर एक और आता है छल्ले वाला, वो ज्यादा बेस्ट नहीं है, हमारा रिकमेंडेशन इसको है, ठीक है, ये आपका रिकमेंडेशन है। तो भाई सूरज भाई ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, एंड आई गेस कि आप लोगों को ये आइडिया भी देखने को मिल गया होगा। भाई ने आफ्टर मार्केट एलॉयज भी लगाए हुए, तो भाई एलॉयज कितने के लगाए थे भाई? 20,000 रुपए के लग गए थे, 20,000 के। और इसमें भी येलो वाला आपने लुक दिया हुआ है पीछे, अंदर येलो से पहले से कलर था और फिर अंदर मैंने जो ड्रम है वो येलो करा दिया, येलो करवा दिया, फेवरेट है ना इसलिए, येलो फेवरेट ही है भाई का, ये तो भाई हम देख ही सकते हैं। भाई बारी आ चुकी है आप लोगों को रूफ टॉप दिखाने की, यानी कि आपकी छत। तो भाई ये सूरज सेम छत है जो मेरी जिप्सी वाली है क्या है? बिल्कुल वही चीज है भाई, और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, सब मतलब कहते हैं भाई इस पे लेदर लगाओ ना, लेदर लगाओ, मैं कहा नहीं, अबे लेदर तो चिपकेगा ही नहीं, नहीं चिपकता है बट हाँ, उतनी स्पीड से नीचे आ जाएगा कुछ दिन बाद क्योंकि वो भारी होता है हाँ। और इसकी भी हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं उतरने की भी, ठीक है, ये तो नहीं उतरता भाई, कभी नहीं, मेरी जिप्सी इतनी जगह कूद गई उसको कुछ नहीं हुआ आज तक। और भाई फिनिशिंग जो है इसकी भी बहुत जबरदस्त है ना वही भैया, पर इंसान का टाइम जो लगता है ना वही फिनिशिंग में ही टाइम लगता है, मकान तुरंत खड़ा हो जाता है लेकिन जो टाइलें लगने में बहुत टाइम लग जाता है,
भाई ये भाई ने बोल दी बढ़िया बात। सो गाइस इसमें एक चीज आप लोगों को और एड ऑन करके बताया, तो मैं इस तरफ से आया हूँ स्पेशली आप लोगों को बताने के लिए। जो आप लोग ग्लोव बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, ग्लोव बॉक्स जो है वो अलग से कपड़ा चढ़ा के आप लोगों को ये ब्लैक वाला पूरा लुक दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लैक और येलो का इसमें कॉम्बिनेशन बनाया था। ये अलग से होता है, इसी के साथ में अगर इधर नीचे की तरफ में देखोगे इसका भी बिल्कुल पूरा पर्टिकुलर चीज किया गया है। और अगर कॉर्निंग से चेक करना है या फिर आप नीचे की तरफ से चेकआउट करोगे तो आप लोगों को ये अच्छा खासा देखने को डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। वहीं पर पिलर्स अगर आप साइड में देखोगे, ठीक है, साइड के पिलर्स देख लो, पीछे के पिलर्स चेकआउट करो, और बिल्कुल एक परफेक्ट ओवरव्यू है, आप लोगों को देना जरूरी था। ड्राइविंग सीट मैंने आपको दिखा दी थी एक बार, योली सीट भी आप लोग चेकआउट कर लो, और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड पॉजिटिवली यस है भाई, अगर आप में से कोई भी ये कलर कराने का सोच रहा है, पहला मेरे भाई को मिलता है टाइटल कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड में आप लोगों में। सो कंफर्ट लेवल वाइज आप लोगों को सुनने को सब चीजें मिल चुकी है। इसके बाद भाई हम लोग अपने भाई का जो है कस्टमर रिव्यू भी लूंगा मैं, ठीक है, अभी इसमें नहीं, थोड़ा अगले शॉर्ट में लूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है भाई काम कराने के बाद? भाई बहुत ज्यादा बढ़िया काम हुआ, बिल्कुल सफाई पता ही नहीं चल रहा कि ये कपड़ा लगाया पेंट हुआ है। और जो लोग मतलब कुछ हेटर्स होते हैं जो कहते हैं भाई हम तो इधर आए इन्होंने हमारा काम खराब कर दिया, वो क्यों कहते होंगे ऐसा, क्या लगता है तुम्हें? अब वो तो भाई सबकी अलग होती है सोच, क्या पता भाई पैसे ज्यादा लगते हैं उनको या फिर कुछ अलग एक्सपेक्टेशन। इंसान को मेरे को तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला है भैया। वही चीज तो हम सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं चीज की, किसी को क्या होता है कि कोई बंदा आता है ना हमारी शॉप पे तो वो सिर्फ पैसे की बात करता है, तो मैं उसको हाथ जोड़ के बोलता हूँ भैया पैसे एक अलग जगह पे रख दो, पहले क्वालिटी में बिलीव रखते हैं हमारा जो ग्रुप है या फिर हम जो मुसाफिर जो हम स्क्वाड बना के चलते हैं, मुसाफिर जो आप वीडियोस देखते हो, मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी में। मैंने भी यही चीज थी, मतलब एक मेरे दिमाग में इमेज बनी कि मेरे को ऐसे इंटीरियर चाहिए, मैंने बताया मेरे को ऐसे चाहिए, और जब वो बन के आया ना तो मेरे को दिखे वो कि मतलब वो जो मैंने सोचे थे वैसे मेरे को मिले हैं भैया। डायरेक्ट मेरे पास जब आए थे तो मैंने इनके साथ लड़के को भेजा था, शॉप पे थोड़ा रश था क्योंकि सैटरडे को इनका काम हुआ है, बिल्कुल, तो मैंने लड़के के साथ भेजा और मैंने उस कारीगर को भेजा कि जो काम कर पाएगा। तो वैसे तो एक पीस गत्ते का होता है जहाँ येल्लो लगा हुआ है, बट भैया का क्या था थोड़ा सा ज्यादा करना था, तो मैंने उसको बोला कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है जहाँ बेस्ट काम होता है वो चीज बताओ। और मेरे को 10 कलर हटाना था, तो उसने बताया 3 पीस मैंने कहा सब पेंट करो, चलो भाई पेंट तो नहीं कराना, वो तो मैंने आपको कह दिया। सो भाई ये तो हो गया, सब चीजें आप लोगों को आई गेस समझ भी आ गया होगा और अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। आप सूरज भाई से थोड़ी बातें करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं भाई का जो है सोच रहे थे कि सूरज भाई से प्राइसिंग पता लगवाऊं, लेकिन उससे पहले भाई ने मेरे को एक चीज दिखाई। तो भाई आपने क्या क्या कराया एक बार आगे आके बता दो लोगों को। भाई ये लाइट्स में प्रोजेक्टर लगवाए, नीचे एक DRL एक DRL ऊपर लगवाई है इसमें, ठीक है भाई। तो ये DRL जो है चिपकने वाली है, ये अंदर से नहीं है, अंदर से जो है खोल के केवल ये डाली गई थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप अगर बोलोगे तो मेरे को इजी वर्ड में आपको बताया था, इसको टुकड़े वाली LED बोलते हैं, इसको बोलते हैं LED स्ट्रिप, और एक जो अंदर डलती है उसको बोलते हैं LED ट्यूब। तो अगर आप में से कोई भी चाहे, आसान लैंग्वेज में ये वाली जो ट्यूब है इसको कहते हैं .DRL जो कि अब होता हुआ आप लोगों को दिखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब दिन का टाइम है, जितना जस्टिस हो पा रहा है उतना कैमरे से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चेकआउट कर लो, मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा था, पलट के देखते लो? हाँ भाई, मतलब जो लोग देख रहे हैं वो पूछते भी हैं कि कहाँ से लगवाया भाई, कहाँ से करवाया काम। मेरे को मतलब ये था कि थोड़ी डिफरेंट रखने गाड़ी। सूरज भाई अगर अपने पास कोई भी बंदा आ रहा है तो ये काम जो है कितने देर में हो जाता है ऐसा काम अगर करवाना है? भाई लाइटों का तो जैसे कि अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ ना, अगर बंदा अगर एक गाड़ी लेके आता है तो खाली सीट कवर के लिए आता है तो 2.5 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे भी 2 घंटे में भी हो जाता है। वो तो काम के ऊपर डिपेंड है कितनी गाड़ी मेरे पास खड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे बेस्ट क्या है, जब आपका एक बार गाड़ी लाते हो तो एक बार काम कराना चालू करोगे ना तो वो सारा काम भैया आपको 3-4-5 घंटे के अंदर ही अंदर मॉडिफाई हो जाती है गाड़ी। तो भाई आप भी आ जाओ एक बार और बताओ जरा, सही कह रहे कि नहीं कह रहे, इंटीरियर का काम कितने घंटे में हुआ था? भाई सही बताऊं तो इंटीरियर काम 6-5-6 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, 6 घंटे में हो गया था। और सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर ही है, मतलब यही था ना वेट कर रहा जब तो यार इतना टाइम हो गया लेकिन ये था ना बाद में देखा काम फिर सेटिस्फेक्शन यार थोड़ा जल्दी में, आज जल्दी मत करो, नहीं आज जल्दी करोगे तो फिर द्वारका से नाम क्या नजर करते गाड़ी लानी पड़ेगी करोलवाड़। तो भाई ने टाइम दे दिया, बिल्कुल दोनों भाइयों का आपने बात सुन ली है। प्राइसिंग की बात करते हैं सूरज भाई से। सो गाइस बारी आ चुकी है कि वीडियो को एंड कर दिया जाए। आज देखो कुछ डिफरेंट चीज ट्राई की है, दुकान से बाहर निकले हैं। अगेन फिर से बता रहा हूँ वीडियो में, अगर आप में से कोई भी काम करवाना चाहता है भाई से तो आपने जाना है करोल बाग अब्दुल अजीज रोड, नहीं तो
होटल आनंद लिखना, उसके साइड में भाई की शॉप है जिसका नाम है कृष्णा कार श्रृंगार और कृष्णा कार श्रृंगार 2 क्या पता आपके प्यार सपोर्ट से द्वारका में ही खुल जाए। बिल्कुल भाई, क्या पता आप लोग अगर फुल पावर सपोर्ट रहा तो यही खुल जाएगा, हमारे भाई हमारे साथ ही इधर ही काम करवा रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली पूरा हो जाएगा। जहां तक आप बात करते हो प्राइसिंग के बारे में, पूरा जो इंटीरियर आपने होते हुए देखा, रूफ, ईच एंड एवरी गत्ता, साइड के वाले अपने जो पैनल थे, उसके क्या प्राइसिंग पड़ा भाई? छत 6 पिलर गत्तों के अंदर नाम के 3-3 मतलब 12 पीसेस, स्टेयरिंग कवर, सीट कवर, डैशबोर्ड, इस सब का भैया खर्चा है 22,000 रुपये। इसकी यही काम अगर किन भाई को कराना 15,000 वाले में तो वो भी क्वालिटी है मेरे पास, 18,000 में कराना तो वो भी है, 25 वाला भी है, तो हर एक लेवल का। लेकिन भाई ने एक बहुत अच्छी चीज, भाई ने बोला था बेस्ट, मैं चाहता तो 25,000-30,000 का भी इंटीरियर बना सकता था, मैंने बोला नहीं, हिसाब से और बहुत अच्छे पैसों के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी तैयार कर दी है। और भाई देखो सबसे जरूरी चीज, हमारी वीडियो के साथ आप लोग क्यों जुड़े हो, क्योंकि हम प्राइसिंग बताते हैं। बिल्कुल भाई, और प्राइसिंग जब पता चल जाता है तो बंदे ने उधर जाना है, उसे ज्यादा अपनी मत्था पीछी नहीं करनी, ना उसने बोलना है 40 ना उसने बोलना है 35। और मार्केट में भी एक क्या चीज हो रही है कि जैसे अगर कोई इंसान मेरे को फोन करता है भैया इंटीरियर कराना है, तो भाई हम सबसे बेस्ट के रेट बताते हैं, हम बोलते हैं 15,000 से 25,000 की रेंज है। बिल्कुल, अब मार्केट के अंदर वो किसी को फोन करते हैं तो 12,000 बता देते, जब वहाँ गाड़ी खुल जाती है यार आपने 12,000 बोले थे, तो जी 12,000 में 6 पिलर होंगे, स्टेयरिंग कवर होगा, सीट और गत्ते नहीं होंगे, फिर वो उसके पैसे जोड़ देता, तो फेक काम नहीं करते हम, जो बोल रहे हैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन वीडियोस है, ऑन वीडियो प्राइसिंग है, ऑन वीडियो लाइफ टाइम वारंटी, आजीवन गारंटी। भाई हमारा भाई जो अभी वो शूट कर रहा है, ठीक है, तो पीछे तक एक बार बोल दो भाई, आजीवन है कि नहीं है? है भाई, आजीवन गारंटी है, बोल रहा है भाई, गारंटी। और भाई हमारा बैठा और मार के दिया भाई, है नहीं तो उठा लेंगे इसी को, सूरज को उठा लेंगे, नजर कर ले जाएंगे, है ना? ठीक है ना भाई? भाई इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ सूरज के काम में दम है, हमें आना चाहिए, तो आपने कैसे पहुंचना है एक बार और बताओ भाई। कृष्णा कार श्रृंगार 16/28 ग्राउंड फ्लोर, अब्दुल अजीज रोड, पदम सिंह रोड अटैच। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाओ आप, होटल आनंद की लोकेशन डाल दो, और आने से पहले एक बार फोन कर देना, अपॉइंटमेंट का चक्कर क्या है, दुनिया बोलती है हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते, अरे तुम्हारे पास जाएगा कौन, तुम अपॉइंटमेंट दोगे? हम अपॉइंटमेंट इसलिए देते हैं ताकि मेरे भाई लोग परेशान ना हो, उनको ज्यादा चिंता करना हो। देखो गाइस, अपॉइंटमेंट देने का फायदा इसलिए होता है कि आपका टाइम जो है इट्स वैल्यूएबल, भाई का टाइम इट्स वैल्यूएबल, तो दोनों लोगों का जब टाइम वैल्यूएबल है तो उसको अच्छी तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाए तो आउटपुट ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। सो सही है ना, अभी भी देख लो भाई फोन में लगे हुए 24 आवर्स कॉल आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे और हर जगह कम नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ में अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबा देना, घंटी दबा देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, MUSFAIR 7811, MUSA हटा दिया। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो लिखना MUSAFIR 7811, यानी कि मुसाफिर 7811। फॉर एवरी संडे राइड्स, एवरी संडे नहीं, सेकंड और फोर्थ संडे को हम राइड करते हैं, उसके बारे में जानना है फेसबुक में जाओ मुसाफिर स्क्वाड, जिस जो इस संडे होने वाली है, ठीक है, आ जाना। और आपके भाई की वेबसाइट का काम शुरू हो चुका है, डोमेन मिल गया है, नाम है www.musafirkar.com। बहुत एक्साइटेड है, बहुत जबरदस्त है ना, मजा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।